हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो प्रतिमा किचन चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बहुत टेस्टी मुरब्बा लेके आई हूँ, वो भी बिल्कुल खुद से रोपे हुए 5 फ्लोर छत पे और ताज़ा ताज़ा बिल्कुल फ्रेश। तो देख सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो चलती हूँ बनाने। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से छिलका उतार कर और छोटे छोटे टुकड़े कर कर एक फॉक से मैं इसे घोप कर और इसे मैंने पानी आधा लीटर डालकर और इसमें मैंने कोहरा डाल दिया हूँ और यहाँ पे आधा स्पून मैंने चूना डालकर और इसे मिक्स कर देती हूँ। ऐसे अच्छे से उबाल आने लगेगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। चूना इसलिए डालती हूँ ताकि इसका जो कसैना हो वो ख़त्म हो जाए और इसे मतलब वाइट वाइट दिखे। तो यहाँ पे हाफ बॉयल हो गया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे इसको इस तरह से। अब मैं इसे पानी को निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे पानी को ऐसे ऐसे कर करके सारे पानी को मैंने निकाल लिया हूँ। एक कप पानी ऐड करूँगी और इसी में मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चीनी डालूँगी। और क्या डालूँगी इसमें, इलायची फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे मेरा चीनी पूरा घुल गया है। अब मैं इसमें डालूंगी है और इसे इस तरह से चलाते रहना है। थोड़ा सा और इसको पानी को सुखाना है, यानी चाशनी को। पूरा चाशनी मेरा सूख गया है थोड़ा बहुत है, तो मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब मैं इसे बाहर रख देती हूँ ताकि हवा में इसे ये सूख जाएगा, जो भी चाशनी होगा ये नीचे से निकल जाएगी। मैं इसे इस तरह से रख देती हूँ, पूरा चाशनी नीचे गिर जाएगी थोड़ा बहुत होगा। तो आई हो कि आप लोग को मेरा मुरब्बा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और फिर मैं अच्छे रेसिपी के साथ आप लोग को साथ मिलूँगी। बाय बाय, थैंक यू।